अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। अच्छा यार, हमारे ब्लॉग एग्जाम खत्म हो गए हैं तो मैंने बहुत सारी अमनी कैट की वीडियोस बनाई थी, लेकिन मैं सोचा हुआ था कि ब्लॉग एग्जाम्स की बात रहेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अभी फ्री है ब्लॉग एग्जाम्स के बाद तो मैंने सोचा कोई वीडियो बना लेते हैं अमनी कैट की। अच्छा, सबसे पहले ना इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ फोर इम्पॉर्टेंट सीक्रेट्स, ऐसे सीक्रेट्स जिनका मैं समझता हूँ कि 90% स्टूडेंट्स को नहीं पता होना। एमडी कैट के ऐसे सीक्रेट्स होंगे वो जो एमडी कैट एस्पायरेंट्स को नहीं पता। अच्छा नंबर 1 सीक्रेट, आपको पता है कि एमडी कैट में हमेशा 15 से 20 एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 100% कह दिया जाए कि एमडी कैट जो है वो पीटीपी से आएगा, आपकी बुक से ही आएगा, और फिर वो एमडी कैट जो है उसी में से आए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर दफा एमडी कैट जो है वो 15 से 20 या 10 तो मिनिमम ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। तो आपने आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू उसके लिए भी प्रिपेयर करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बस वही तैयार कर लेना है जो एमडी कैट सिलेबस है, वही टॉपिक उठाए और वही तैयार कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। एमडी कैट सीक्रेट नंबर 2, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एमडी कैट का जो सिलेबस है ना, या जो एमसीक्यूज आएंगे वो बिल्कुल कहीं से, कोई एमसीक्यू कहीं से आ जाएगा। अच्छा, मतलब इस चैप्टर से भी आ सकता है, अगला एमसीक्यू किसी और चैप्टर से आ जाएगा, अगला एमसीक्यू किसी और चैप्टर से आ जाएगा, मतलब इसकी कोई तरतीब नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमडी कैट में जो एमसीक्यूज आते हैं ना, वो बिल्कुल उसी तरतीब के साथ आते हैं जैसे आपने ना एमडी कैट का सिलेबस लिया होता है। मैंने एमडी कैट 2022 में दिया है और 2023 दोनों में दिया है। मैंने चेक किया है कि ना वो बिल्कुल जैसे आपका सिलेबस दिया होता है ना, बिल्कुल उसी तरह एमसीक्यूज उधर पेपर में भी आते हैं उसी तरतीब के साथ। अब मसला ये होता है कि पेपर्स होते हैं डिफरेंट, मतलब कोई पेपर डिफरेंट हो गया, कोई पेपर डिफरेंट हो गया, उसका कोड और हो गया, उसका कोड और हो गया, तो फिर ये किस तरीके से होता है। ये इस तरह होता है कि अगर फर्स्ट फिर एक पेपर है ना, उसके अंदर सारे पेपर्स जो हैं, ये सारे एमसीक्यूज जो हैं वो बिल्कुल सेम एक लाइन में, उन्होंने पहले चैप्टर से 5 ले लिए, दूसरे चैप्टर से 5, इस तरह उन्होंने 56 एमसीक्यू पूरे कर देने हैं। लेकिन जब पेपर बी होगा उसमें क्या करेंगे, तो वो पहले 2 एमसीक्यू ले लेंगे एक चैप्टर से, अगले चैप्टर से 2-3, फिर अगले चैप्टर से एक दफा एक तरतीब ये लगा लेंगे, आधे एमसीक्यू हो जाएंगे, फिर से वो पहले चैप्टर से शुरू कर देंगे, 2-2 एमसीक्यू फिर ऐड करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से होता है। अगर आप इसका फायदा क्या है, अगर आप पेपर में बैठे हुए हो और आपको कोई कंसेप्ट ऐसा है ना कि आपको पता नहीं चल रहा कि ये कंसेप्ट किस चैप्टर से लिया हुआ है, तो आप उसकी तरतीब देखो कि उसके पिछले वाला एमसीक्यू कौन से चैप्टर से लिया है उन्होंने, और आप देख लोगे कि हाँ ये एमसीक्यू जो है ये फलां चैप्टर से आया है, इसमें ये कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है। अब सीक्रेट नंबर 3, एमडी कैट में हर एक स्टूडेंट को यही मिसकंसेप्शन है, जो एमडी कैट एस्पायरेंट है वो समझता है कि एमडी कैट 200 नंबरों का है। 200 नंबरों का बिल्कुल भी नहीं है 200 नंबर, मैं भी यही समझता था 200 नंबर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जो एमडी कैट एस्पायरेंट है ना, उसके लिए एमडी कैट सिर्फ 40 नंबर का है, 40 नंबर होते हैं एमडी कैट के। अब बाकी के 160 नंबर कहाँ से आते हैं? जब आपने FSC कर ली है ना, तो 160 MCQ उसकी तैयारी आपकी FSC में ही हो गई है। जिसने FSC कर ली है उसके 160 नंबर पक्के हैं, अगर वो ज़्यादा टेंशन ना ले तो ड्यूरिंग एग्जाम। अब बाकी जो 40 नंबर हैं वो डिसाइड करेंगे आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। ये जो 40 नंबर है ना, इनमें से एक एक नंबर इतना मैटर करता है, एक एक नंबर आपको डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अभी देखो, मैंने 2022 की बात कर रहा हूँ, जब मेरे 167 मार्क्स हैं, अगर उस वक्त मेरे मार्क्स होते 168 तो मुझे अभी भी याद है मैं 1200 या 1400 स्टूडेंट से ऊपर चला जाता सिर्फ एक नंबर से, इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है। और उस वक्त पेपर में बैठे हुए थे, हम क्या करते हैं कि हम एक एमसीक्यू जो है वो ऐसे छोड़ देते हैं, चलो एक ही एमसीक्यू है छोड़ दें कोई बात नहीं। लेकिन ये जो ऊपर वाले 40 एमसीक्यू होते हैं ना, ये मैटर करते हैं, और यही आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कन्फर्म करते हैं कि होगा या नहीं। सीक्रेट नंबर 4, ये उस वक्त मुझे नहीं पता था जब मैंने पहली दफ़ा एमडी कार्ड दिया था एज अ फ्रेशर, लेकिन ये मुझे उस वक्त पता चला जब मैंने एमडी कार्ड रिपीट किया और मैंने ना पेपर दिया रिपीट करके 2023 में, तो मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 10-15 एमसीक्यूज, ऑलमोस्ट कम अज कम मैं आपको बता रहा हूँ कि 10-15 एमसीक्यूज ऐसे थे जो रिपीट हुए थे। ऐसा वैसे होता नहीं है,
लेकिन हमारे 2022 वाले पेपर एमडी कैट पेपर से ही उन्होंने 10 से 15 एमसीक्यूज रिपीट किए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इवन इंग्लिश में भी ऐसे ही एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो आपने ये नहीं करना कि बस आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली, वही अकेडमी वाले सोर्सेज की, या आपने सिर्फ बुक ट्रेडिंग कर ली। जो पास्ट पेपर्स है ना 1-2 साल पिछले, वो भी आपने लाजमी देख के जाने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज हो सकते हैं कि उनमें से भी रिपीट हों, और हमारी दफ़ा रिपीट हुए तो आपकी दफ़ा भी रिपीट हो सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।